वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट लेट स्टार्ट विथ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर एट सेल कोशिका इन प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट्स वी स्टडी द इंट्रोडक्शन अबाउट सेल कोशिका इसमें पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि कोशिका की खोज किसने की कहा की कब की और आज नाउ टुडे वी सी एंड टुडे वी सी नंबर ऑफ सेल्स ठीक है नंबर ऑफ सेल्स मतलब सेल्स के जो नंबर्स हैं कैन यू गेस आप गेस कर सकते हैं कि किसी ह्यूज एनिमल में या किसी स्मॉल एनिमल में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे द नंबर्स बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स की जो संख्या है वो संख्या बिलियंस में ट्रिलियंस में होती है ह्यूमन बॉडी हैज अ ट्रिलियन ऑफ सेल्स ठीक है विच वेरी इन शेप एंड साइज जो कि विभिन्न आकार के प्रकार के पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स फॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन और कोशिका के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स वो वेरियस फंक्शन एक्टिविटी करते हैं ठीक है तो एक प्रकार की कोशिकाएं या समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं, ठीक है और वो जो है एक स्पेशल मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है यू नो दैट अ बिलियन इज अ थाउजेंड मिलियन अ ट्रिलियन इज अ थाउजेंड बिलियन नाउ ऑर्गेज्म मेड ऑफ ऑफ मोर देन वन सेल जो ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तो उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर सेल मल्टी सेलुरल ऑर्गेनिज्म मल्टीमींस यू नो दैट मल्टीमी मेनी सेलर सेल द नंबर ऑफ सेल बींगर ऑर्गेज डॉक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेज यू विल सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेज विथ बिलियन ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज एक्ट ठीक है आप सरप्राइज होंगे जानकर की जिस ऑर्गेनिज़ में बिलियन ऑफ सेल्स हैं कोशिकाएं हैं तो उसका एग जो है सिंगल सेल है जैसे कि हेन हेन में बिलियन ऑफ सेल्स हैं, उसके बॉडी में बिलियन ऑफ सेल्स हैं, लेकिन जो उसका एग है अंडा वो सिंगल सेल है एग इज अ सिंगल सेल विच इज बिगर सेल विच इज द फर्टिलाइज्ड एग द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज अ डेवलपमेंट प्रोसेस तो वो एक फर्टिलाइज्ड जो एग है जो फर्टिलाइज्ड एग है सिंगल सेल वो इतना डिवाइड करता जाता है कि वो बिलियन ऑफ सेल्स बना लेता है धीरे धीरे पूरी बॉडी ठीक सर तो वो सिंगल से डिप्लॉयड मतलब डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड ठीक है तो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह बत्तीस चौसठ तो इस तरह से सेल्स जो हैं वो बढ़ती जाती हैं डिवाइड होती जाती हैं और उनकी नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो इसी तरह अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होते हैं तो उनको मल्टी यू, यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं ठीक है जिस ऑर्गेनिज्म में एक सेल पाई जाती है सिंगल सेल तो उनको कहते हैं यूनि सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूनिमीन्स वन यू नो दैट स वन एंड सेलुलर मीन्स जैसे कि एग्जाम्पल अमीबा पैरामीशियम ठीक है युगलीना तो ये सभी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है नाउ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलर ऑर्गेज मतलब जो फंक्शन मल्टी सोलर ऑर्गेनिज्म में होता है वो सारे फंक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं ठीक है बहुकोश की जंतुओं में जो फंक्शन होते हैं वही सारे फंक्शन एक सिंगल सेल में भी होता है ठीक जैसे कि फूड कैप्चर करना डाइजेस्ट फूड फूड को डाइजेस्ट रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन ग्रोथ ग्रोथ रिप्रोड्यूश रिप्रोडक्शन ठीक ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेल शेप ऑफ सेल सेल के शेप वेरियस टाइप्स ऑफ होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में इनफैक्ट अमीबा इज अरेगुलर शेप आप जानते हैं कि अमीबा का शेप निश्चित नहीं है वो इरेगुलर शेप है उसका शेप बदलता रहता है शेप अनलाइक इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंस प्रोट्यूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी और उसकी बॉडी से अमीबा की बॉडी से प्रोट्यूडिंग कुछ प्रोट्यूटिंग जो आगे अगल बगल से ये प्रोट्यूड निकलते रहते हैं जिससे कि वो आगे भी बढ़ता है और फूड को कैप्चर भी करता है दीज आर कॉल्ड सुडोपोडिया उनको हम कहते हैं सुडोपोडिया मीन्स होता है false, और पोडिया होता है फीट तो वो फॉल्स फीट है ठीक है तो बताया गया ना कि वो जो है प्रोट्यूडिंग वो निकलता रहता है प्रोट्यूड और उस, उसी के सहायता से वो आगे बढ़ते हैं दैट इज पोडिया इजोडिया और फूड को कैप्चर करते हैं दिस प्रोजेक्शन अपियर एंड ठीक है ना? वो प्रोजेक्शन अपियर होता है फिर डिसअपियर हो जाता है अमीबा मूव्स और उसकी सहायता से अमीबा मूव करता है अ वाइट ब्लड सेल अ व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यू बी सी इन ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग में ठीक है अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल ठीक डब्ल्यू बी सी भी सिंगल सेल का एग्जाम्पल है डब्ल्यू बी सी भी जो सेल है वो सिंगल सेल है उसमें एक कोशिका है विच कैन चेंज इट्स शेप जो कि अपना शेप चेंज करता है बट वाइल्ड डब्ल्यू बी सी इज अ सेल अमीबा इज ए फुलस्ड ऑर्गेनिज्म कैबल ऑफ इंडिपेंडेंट अमीबा जो body, है पूरी बॉडी उसकी सिंगल सेल है वाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियन ऑफ सेल द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देअर स्पेसिफिक फंक्शन तो जो डिफरेंट शेप हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं जनरली सेल्स आर राउंड सामान्यतः जो सेल्स है कोशिका वो राउंड होती है स्फेरिकल शेप होती है और इलांगेटेड होती है सम सेल्स आर लॉन्ग कुछ सेल्स लॉन्ग होते हैं एंड पॉइंटेड एट बोथ इंड ठीक है दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप जिसको कि स्पिंडल शेप कहते हैं दैट इज फिगर एट एट पॉइंट फोर ये चीज फिगर में आप देख सकते हैं कि दिस इज द स्पिंडल शेप दोनों सब दोनों इंड पॉइंट पे पॉइंटेड और बीच में ठीक है ना बीच में आपका थोड़ा सा ब्रॉड होता है दिस इज स्फेरिकल शेप दैट इज रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आरबीसी की सेल्स हैं ये स्फेरिकल स्पिंडल सेल मस्कुलर सेल्स हैं ये ये नर्व सेल्स इलांगेटेड लंबे ठीक है ना ये नर्व सेल है नर्व की कोशिकाएं हैं लंबे लंबे होते हैं नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज जो नर्व सेल है वो एक तरफ से मैसेज को रिसीव करता है दूसरी तरफ भेजता है तो मैसेज को ट्रांसफर करता है नर्व सेल्स हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जिससे कि हमारा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जैसे हैंड नेक लेग ये सभी पार्ट मूव करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार तो ये कैसे हो सकता है नर्व सेल से होता है ठीक है कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिवस इट से कम्पोनेंट ऑफ द सेल आर इन्क्लोज इन अ मेमब्रेन और जो सेल के कम्पोनेंट हैं वो मेम्ब्रेन में इनक्लोज होते हैं जुड़े होते हैं दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप ऑफ द शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्लांट एनिमल को फिर ये सारी सेल्स मिला के टिश्यू बनती हैं और ये एक शेप देती हैं ठीक है सेल वाल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट और सेल वाल सेल वाल होती है प्लांट सेल्स में वो सेल वाल जो है एक्सटर्नल कवरिंग है जो कि और सेफ भी रखता है विद एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ठीक है बाहरी चीजों से सेफ रखता है जो सेल वाल होता है प्लांट्स में इट गिव्स शेप एंड रिजिड शेप देता है और रिजिड रिजिड बनाता है मजबूत बनाता है बाहर से ठीक है क्योंकि उनको प्लांट्स को बाहर रहना पड़ता है वो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट रहते हैं रिजिड दिस सेल्स बैक्टीरियल सेल आल्सो हैज सेल है सेलवाल बैक्टीरिया की जो सेल है उसमें भी सेलवाल होती है लेकिन एनिमल की सेल्स में सेलवाल नहीं होती है ठीक है तो बैक्टीरियल की सेल में प्लांट की सेल में सेलवाल होती है लेकिन ह्यूमन सेल में ठीक है ऑर्गेनिज्म में लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में और एनिमल सेल में ठीक है सेलवाल नहीं होती है तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक So for today that's it thanks for watch the video